प्रेशर ग्रुप्स, इनको हिंदी में हम दबाव समूह कहते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर अपने ही इंटरेस्ट के लिए एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं और ये प्रेशर ग्रुप क्या है, सरकार पर अपनी नीतियां बनवाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए प्रेशर डालते हैं। अब वो प्रेशर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी डाल सकते हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो बेसिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये फॉर्म होते हैं कुछ नीतियों को पूरा करने के लिए, और जैसे ही वो नीतियाँ पूरी हो जाती हैं तो ये क्या है, डिजॉल्व हो जाते हैं अपने आप ही। इंडिया में वैसे तो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, पर जो पहला प्रेशर ग्रुप था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये क्या है, श्रमिकों का था, श्रमिक मजदूरों के लिए प्रेशर ग्रुप बनाया गया था जिससे कि उनके हित के लिए कार्य किया जा सके। इसी प्रकार से अनेक प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि किन कैरेक्टरिस्टिक्स के पे हम चर्चा कर सकते हैं जो प्रेशर ग्रुप में क्या है, विद्यमान होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लिमिटेड ये होते हैं कि फॉर्मली और इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज होते हैं, एक्सक्लूसिव ओवरलैप मेंबरशिप होती है, यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होते हैं इनके, ठीक है, स्पेसिफिक टेन्योर होता है, सर्वत्र प्राप्त होते हैं ये, ओनली प्रेजेंट होते हैं। अगला आता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट, ओके, अगला है इसके बाद प्रेशर टेक्निक्स यूज करते हैं ये, उन प्रेशर टेक्निक्स पे हम विस्तार से विचार करेंगे। दे यूज पार्टी प्लेटफॉर्म एंड लास्ट वन इज इमर्जिंग एंड डिसॉल्विंग, ये इनका बेसिकली एक बेसिक नेचर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिमिटेड ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेशर ग्रुप जो होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक एम होते हैं, ठीक है, और उन स्पेसिफिक एम को ही पूरा करने के लिए वो ग्रुप फॉर्म हुआ होता है, ठीक है। जितने भी लोग जो भी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते होंगे, अपने इंटरेस्ट की पॉलिसीज को फॉर्म करवाने के लिए बेसिकली ये क्या है, सरकार पर दबाव डालते हैं। इसीलिए इनके लिमिटेड ऑब्जेक्ट कहा गया है कि वही पर्सन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो कि अपनी नीति को मनवाएंगे। तो एक ही नीति, बेसिकली एक ही पॉलिसी को ये लेके चलते हैं, इनका एक स्पेसिफिक एम होता है, ठीक है। अब उस एम को पूरा करने के लिए फॉर्मली और इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज ये ग्रुप्स, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जो ग्रुप है वो क्या है, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग मेंबरशिप, ये देखो इनका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये लोग क्या करते हैं, एक के अलावा और अनेक अनेक ग्रुपों में ये जुड़े हुए होते हैं। इकोनॉमिकल भी हो सकता है वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, ट्रेड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुपों में एक ही मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है, इसीलिए हम इसको ओपन ओवरलैपिंग मेंबरशिप कहते हैं। यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मींस, अब जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा है अनस्पेसिफाइड टेन्योर, इनका क्या है, अनस्पेसिफाइड टेन्योर होता है अनिश्चित काल के लिए ये होते हैं, इनके काल का आप निर्धारित नहीं कर सकते कि ये कितने समय के लिए आएंगे, कोई समय निर्धारण इसमें नहीं है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट एक ही एम पर कार्य करेंगे, एक ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट पर पूरा ग्रुप कार्य करेगा, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे यूज पार्टी प्लेटफॉर्म, ये क्या करते हैं, पार्टी के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जब वो प्रचार के लिए आते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ग्रुप अपनी नीतियों को ही बदलाने के लिए आता है, ठीक है। ओनली प्रेजेंट, सर्वत्र प्राप्त होते हैं, देखो प्रेशर ग्रुप्स क्या है, किसी भी एरा में हो सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी क्षेत्र में प्रेशर ग्रुप्स हैं वो हो सकते हैं। फिर प्रेशर टेक्निक्स, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे लॉबिंग हो गई, या फिर प्रेशर ग्रुप्स धरना करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का भी ये प्रयोग करते हैं सरकार से अपनी नीतियाँ मनवाने।